नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम आने वाले कुछ मुख्य उपकरणों के बारे में जो हमेशा एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जामिनेशन में, और वहाँ पे कई तरह की कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में होते हैं, हमारे विद्यार्थियों के दिमाग में होते हैं। तो आज विद्यार्थियों हम उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे या उस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जाता है, जेली में पेक्टिन नापने के लिए या पेक्टिन परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। पेक्टिन परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। अब दोस्तों वहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपका जेलीमीटर, दूसरा आपका रिफ्रेक्ट्रोमीटर, तीसरा आएगा आपका लेक्टोमीटर और चौथा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, एग्जामिनर को क्वेश्चन देना है, वो ये चाहते हैं कि विद्यार्थी किसी न किसी रूप में गलती करे। दोस्तों जहां हमने पढ़ा जेली में पेक्टिन नापने के लिए कौन सा उपकरण काम में आता है, और हम जानते हैं कि जब हम जैम जेली पढ़ेंगे या पहले भी आपने पढ़ रखा होगा, तो जब हम जेली में पेक्टिन की मात्रा की बात करते हैं तो पेक्टिन के जो परीक्षण होते हैं वो 2-3 लेवल पे किए जाते हैं। मिथाइल अल्कोहल टेस्ट भी होता है और उसके साथ साथ हम एक उपकरण से भी टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर फ्रूट में या इस पर्टिकुलर फ्रूट जिसका हम जेली बनाना चाह रहे हैं, अवले बनाना चाह रहे हैं, उसमें कितना पेक्टिन है। हालाँकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और जैसे ही हमें दिखता है एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आती है, जेली है, पेक्टिन नापने का यंत्र है, हो सकता है जेलीमीटर हो। लेकिन क्योंकि इसमें इसने फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही जाएगा। क्यों जाएगा दोस्तों, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ उसमें जेलीमीटर और जेलीमीटर दोनों दिया हुआ था, यानी आप ये मान लो कि चौथा क्वेश्चन जेलीमीटर है, ऑप्शन जेलीमीटर है। यहाँ मैंने उपरोक्त में से कोई नहीं इसलिए लिखा है क्योंकि आप विद्यार्थी करते क्या है, पहला ऑप्शन देखते ही उस पर क्लिक कर देते हैं कि हाँ यही सही होगा। अप्रोक्स आपको कम्प्लीटली क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी आराम से पढ़ें, चारों क्वेश्चन आराम से, चारों ऑप्शन आराम से देखें और उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुँचें कि हमें क्या करना है। दोस्तों जेलीमीटर नहीं होता है, जेली में पेक्टिन परीक्षण नापने के लिए जेलीमीटर हमेशा काम आता है। आगे हम जब उपकरण पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ये क्या होता है, किस तरह का होता है। और जहाँ तक बात आती है रिफ्रेक्ट्रोमीटर की, तो ये पदार्थ में TSS कुल घुलनशील पदार्थ नापने के काम आता है, कुल घुलनशील पदार्थ या TSS नापने के काम आता है। मुख्यतः इसका उपयोग हमने गन्ना की फसल में पढ़ा है कि इतने TSS होने पे फसल काट लेनी चाहिए, तो ये रिफ्रेक्टोमीटर वहाँ काम आता है। अब तीसरे ऑप्शन की बात आए अगर लेक्टोमीटर की, तो लेक्टो नाम आ रहा है इसका मतलब दोस्तों ये कहीं ना कहीं दूध से संबंधित होगा, और लेक्टोमीटर किसके काम आता है, तो दूध के अपेक्षिक घनत्व को, दूध के अपेक्षिक घनत्व को नापने के लिए कौन सा उपकरण काम में आता है, लेक्टोमीटर काम में आता है। तो दोस्तों ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई बार विद्यार्थी हमारे जल्दबाजी में गलत करते हैं। तो जेलीमीटर जो है जेली में पेक्टिन परीक्षण नापने के लिए काम में आता है। इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला उपकरण जो हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं वो जेलीमीटर। जस्ट हम बात कर रहे थे पहले उपकरण की, और पहला उपकरण जो हमने अभी पढ़ा था जेलीमीटर, और जेलीमीटर का क्या उपयोग है दोस्तों, तो याद रखिएगा जेली में पेक्टिन परीक्षण के लिए इस उपकरण का या इस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है, जेली में पेक्टिन परीक्षण के लिए। अब दूसरी बात आती है दोस्तों थर्मामीटर। हालांकि ये बहुत सिंपल उपकरण है, बहुत ज़्यादा जगह पे यूज आता है, लेकिन ये जहाँ जहाँ अपने अलग अलग यूज आता है वहाँ पे इसका नाम परिवर्तन होता रहता है। अगर दोस्तों बात करें ये थर्मामीटर मानव के लिए या पशुओं के लिए शारीरिक तापमान नापने के काम आता है,
शारीरिक तापमान नापने के लिए काम में आता है। बहुत पहले ये मैनुअल आया करते थे, वर्तमान में मैनुअल ना आके ये ऑटोमेटिक आने लग गए हैं, डिजिटल आने लग गए हैं। और अलग अलग थर्मामीटर्स अलग अलग जगह, जैसे जहाँ पे दूध का टेम्परेचर नापना होता है तो फिर वो मिल्क थर्मामीटर हो जाता है, जहाँ पे जैम जेली के लिए थर्मामीटर तो फिर वो थर्मामीटर अलग हो जाता है, अगर सॉइल टेम्परेचर नापने की बात करें तो सॉइल थर्मामीटर फिर वो अलग हो जाता है। तो इस तरह थर्मामीटर का काम है तापमान नापना, जहाँ जहाँ ये उपयोग में आता है उस तरह से इसका नाम और इसके आकार और इसके प्रारूप में परिवर्तन आते रहते हैं। अगर हम तीसरे उपकरण की बात करें दोस्तों, रिफ्रेक्टोमीटर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। रिफ्रेक्टोमीटर नामक उपकरण का किसके लिए उपयोग किया जाता है? TSS नापने के लिए। आपने गन्ने की फसल पढ़ते वक्त सुना होगा कि परिपक्व अवस्था जब गन्ने की होती है तो इतने TSS पर फसल को काट दिया जाता है, यानी कुल घुलनशील पदार्थ, कुल घुलनशील पदार्थ नापने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। या आप और हम जब जैम जेली पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी TSS की बात आती है कि परिपक्व जो जेली है या जैम है इतने TSS पर होता है तो उसे परिपक्व जैम या जेली की श्रेणी में माना जाता है। तो कुल मिला के रिफ्रेक्टोमीटर की अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रिफ्रेक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो TSS नापने के लिए या कुल घुलनशील पदार्थ नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है दोस्तों सेक्रीमीटर। सेक्रीमीटर यानी जो उपकरण शक्कर की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है वो सेक्रीमीटर कहलाता है। शक्कर की मात्रा ज्ञात करने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है सेलोमीटर। सेलोमीटर इसी को बोलते हैं सेलोनीमीटर और उसी को बोला जाता है ब्राउमे हाइड्रोमीटर। ब्राउमे हाइड्रोमीटर। अब दोस्तों ये तीनों एक ही काम में आते हैं और तीनों के लगभग एक ही उपकरण के तीन नाम हैं। और ये किस काम में आता है? तो नमक की सांद्रता नापने के काम आता है। नमक की सांद्रता नापने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसे हम सेलोमीटर, सेलोनीमीटर या ब्राउमे हाइड्रोमीटर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट उपकरण की अगर हम बात करें एनीमोमीटर, बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, आप देख पाएंगे इसको वीडियो के इमेज में। इसमें हवा की गति नापने के लिए मौसम वैद्यशाला में लगाया जाने वाला ये यंत्र या उपकरण है, जिसमें अर्ध कटोरी आकार, अर्ध चंद्र आकार की चार कटोरियां होती है जिससे हवा का वेग नापा जाता है। तो एनीमोमीटर की अगर बात की जाए कि क्या उपयोग में आता है, तो हवा का वेग नापने के लिए, हवा का वेग नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। दूसरी इसके अगली बात करें दोस्तों, तो क्योंकि हवा की दिशा की बात आई है तो यहीं पे एक चीज और क्लियर कर दें, विंड वेन या वायु दिशा सूचक। दिशा सूचक, अब दोस्तों ये अपने नाम में बता रहा है, वायु दिशा सूचक यानी वो उपकरण जो वायु की दिशा का ज्ञान करवाता है, यानी हवा किस दिशा से आ रही है, किस दिशा की तरफ जा रही है, अगर वो वायु का दिशा का ज्ञान करवाता है तो ऐसे उपकरण को हम या ऐसे यंत्र को हम वायु दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। और जो एनीमोमीटर और जो विंड वेन या वायु दिशा सूचक यंत्र है ये सभी मौसम वैद्यशालाओं में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हो सकती है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी भी मौसम वैद्यशालाएं स्थापित है वहां पे ये इस उपकरण स्थापित रहते हैं। ये हवा का वेग बताता है कि कितनी स्पीड से हवा चल रही है, ये हवा की दिशा बताता है। और इस उपकरण में भी आप वीडियो में इमेज में देख पाएंगे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट करके चार दिशाएं होती है और उन दिशाओं का ज्ञान जो
उपकरण करवाता है उसे हम विंड वेन या वायु दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। अगली बात आती है दोस्तों बेरोमीटर। बेरोमीटर, अब जहां तक बात आ जाए बेरोमीटर की, तो बेरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बेरोमीटर का उपयोग वायु का दाब ज्ञात करने के लिए, यानी हवाओं का दाब या वायु दाब कितना है उसके जानकारी के लिए इस बेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। मौसम वैद्यशालाओं में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जितने भी वायुयान या हवाई अड्डे हम कहते हैं, वायुयान के उड़ने या उड़ने से पहले की जो स्थितियां हैं उनको देखने के लिए या उनकी अग्रिम तैयारी करने के लिए बेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो बेरोमीटर पूछ लिया जाए, और बहुत बार पूछा जाता है ये, बेरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायु दाब ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है या जिस उपकरण का उपयोग हम करते हैं उसे हम बेरोमीटर कहते हैं। दोस्तों ये हो गए कुछ 5-7। उसके बाद हम अगर बात करें हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर की बात करें दोस्तों, तो हाइग्रो यानी पानी और पानी का आपेक्षिक घनत्व, पानी का आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो इसके साथ ही हम ले चलते हैं लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर। और लेक्टोमीटर का उपयोग क्या है? लेक्टो, लेक्टोज से मतलब होता है दुग्ध, और दूध का आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है या जिस उपकरण को काम में लेते हैं वो उपकरण हाइग्रोमीटर कहलाता, माफ कीजिए लेक्टोमीटर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं ब्यूटायरोमीटर, ब्यूटायरोमीटर। अब ब्यूटायरोमीटर की बात करें दोस्तों, आपने हमने जब एग्रीकल्चर के 11th या 12th में हम पढ़ते थे, या जिन लोगों ने जिनके दूध की डेयरी या दूध का व्यवसाय है उन लोगों ने पहले इस उपकरण को आवश्यक रूप से देखा होगा, क्योंकि दूध का फैट परसेंटेज निकालने के लिए मुख्यतः जिस यंत्र या जिस उपकरण का उपयोग लिया जाता है, आप वीडियो में इमेज में देख पाएंगे कि कांच की एक नली है जिसका उपयोग हम पहले दूध की फैट परसेंटेज निकालने के लिए लेते थे। तो ब्यूटायरोमीटर का उपयोग किस के लिए किया जाता है? दुग्ध की वसा ज्ञात करने के लिए, दुग्ध की वसा ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम ब्यूटायरोमीटर कहते हैं। अब दोस्तों इसी ब्यूटायरोमीटर के साथ में एक यंत्र या एक उपकरण की और आवश्यकता पड़ती है, उसे हम गर्बर मशीन बोलते हैं। पूछ लिया जाता है कई बार गर्बर मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दूध की वसा ज्ञात करने के लिए जिस मशीन का या जिस यंत्र का उपयोग होता है वो गर्बर मशीन कहलाती है। वर्तमान में दोस्तों वसा ज्ञात करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सब कुछ डिजिटल है आज के ज़माने में, लेकिन पहले दूध की डेयरीज पर या जहाँ पे दूध का व्यवसाय होता है उन स्थानों पर दूध का फैट परसेंटेज या वसा ज्ञात करने के लिए गर्बर मशीन हाथों से चलाई जाती थी, और उसी गर्बर मशीन के अंदर ब्यूटायरोमीटर प्रति सैंपल के हिसाब से ब्यूटायरोमीटर लगाए जाते थे, और उस ब्यूटायरोमीटर से पता चलता था कि इस पर्टिकुलर दूध के सैंपल में कितना फैट है या कितना फैट परसेंटेज मौजूद है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें जो काम में आती है दुग्ध की वसा ज्ञात करने के लिए आती है। अगली बात करें हम टेंसियोमीटर, दोस्तों टेंसियोमीटर का मतलब ये होता है कि वह यंत्र जिसका उपयोग भूमि में नमी ज्ञात करने के लिए, यानी सोइल में कितना परसेंट मॉइस्चर है या कब हमें सिंचाई करनी है, इनके लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे टेंसियोमीटर कहा जाता है। अगले यंत्र की बात करें दोस्तों हम वर्षा मापी। अब दोस्तों ये अपने आप में अपना नाम बता रही है, और इंग्लिश में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, इसे रेन गेज बोला जाता है, रेन गेज। वर्षा मापी यंत्र, यह वह यंत्र जिससे वर्षा कितने मात्रा में हुई है पर्टिकुलर 24 घंटे में उसको
नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। दोस्तों ये दो प्रकार के आते हैं, एक आता है साधारण जिसमें हमें पर्टिकुलरली 24 घंटे में जाके किसी व्यक्ति को विजिट करके वॉच करना पड़ता है कि पर्टिकुलर 24 आवर्स में कितनी बारिश हुई है, और दूसरा होता है स्वचालित। ये स्वचालित वर्षा मापी यंत्र अपने आप में स्वयं रीडिंग्स लेता है और उस रिपोर्ट को प्रिंट करता रहता है अपने आप, जिससे आप कभी भी जाके पता लगा सकते हैं कि इतने आवर्स या इस दिन इतनी बजे से इतनी बजे तक कितनी वर्षा हुई थी। तो वर्तमान में दोनों ही प्रचलित है, लेकिन जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पे नॉर्मल या साधारण रेन गेज, उसके साथ साथ स्वचालित रेन गेज भी वर्तमान में प्रचलन में है। दोस्तों ये थे कुछ उपकरण, इसके बाद हम बात करेंगे अगले उपकरण की, हम बात करेंगे दोस्तों विस्कोमीटर। विस्कोमीटर दोस्तों, जहां तक पूछा जाए कि विस्कोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो विस्कोमीटर का उपयोग किसी भी पदार्थ का गाढ़ापन या विस्कोसिटी मापने के लिए किया जाता है। ये इसी फॉर्म में पूछा जाता है, विस्कोसिटी, किसी भी पदार्थ की विस्कोसिटी या गाढ़ापन नापने के लिए जिस उपयोग यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम विस्कोमीटर कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, आप भी इसे नोट डाउन करें और इम्पोर्टेंट ज़रूर लिखें। विस्कोमीटर का उपयोग किसी भी पदार्थ का गाढ़ापन नापने के लिए किया जाता है। अगली दोस्तों हम बात कर रहे थे विस्कोमीटर के बाद में अल्टीमीटर की, और अल्टीमीटर की जहां तक हम बात करें, अल्टीमीटर का जो उपयोग है वो ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि ऊंचाई नापने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं तो ये यंत्र किस में काम आता है, तो वायु परिवहन यानी हवाई जहाज जैसे जो इक्विपमेंट या जो वायु परिवहन के जो साधन हैं उनके लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इनसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर हवाई जहाज या ये हेलीकॉप्टर या ये जेट विमान कितनी ऊंचाई पर चल रहा है। उसके बाद दोस्तों बात आती है आपके पार्सल फ्ल्यूम। दोस्तों बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन आज हम जो बात करना चाह रहे हैं उनमें से वही बात करना चाह रहे हैं जिनको एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन या एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। अब दोस्तों जहां तक हम इस उपकरण की बात करें, ये इरिगेशन की दृष्टि में और इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्सल फ्ल्यूम से क्या तात्पर्य है, पार्सल फ्ल्यूम किसके लिए काम में आता है, पार्सल फ्ल्यूम किस क्रियाओं में काम आता है। तो पार्सल फ्ल्यूम में सिंचाई के जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए काम आता है। यानी आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये एक तरह का पहले चौड़ा उसके बाद सिकुड़ा हुआ एक यंत्र होता है जहां से पानी आपके खेतों में जाता है, तो हमें कितना पानी देना है और हमें पानी कितना दे दिया है इसका हमें मात्रा कैसे ज्ञात होगी। अगर हम डायरेक्ट खुले चैनल से देंगे तो हमें ये आइडिया लग नहीं सकता। तो जहां पे हम सिंचाई करते हैं या जहां हमारा एंट्रेंस पॉइंट होता है वहां पे इस तरह का एक यंत्र पार्सल फ्ल्यूम लगाया जाता है, जिससे पर्टिकुलरली हमारे खेत में एक घंटे में या आधे घंटे में कितना पानी हम दे चुके हैं या कितना पानी जा चुका है, सिंचाई के जल की कितनी मात्रा दे चुके हैं उसके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो वो पार्सल फ्ल्यूम काम में आता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम माइक्रोमीटर की। दोस्तों हम बात कर रहे थे माइक्रोमीटर नामक उपकरण की, तो जहाँ तक माइक्रोमीटर को जाना जाता है किसके लिए, तो सूक्ष्म जीवों का जो आकार है उसको नापने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों हमने फंगस है, बैक्टीरिया है या वायरसेज हैं, इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के आकार को हमने पढ़ा है कि ये पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव इतने माइक्रोन का है या इस आकार का है, तो वो जो आकार नापा जाता है वो माइक्रोमीटर के नाम से नापा जाता है। अब बात आती है दोस्तों लाइसीमीटर की। लाइसीमीटर और लाइसीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन।
वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन दोनों को नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग लिया जाता है उसे हम लाइसीमीटर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है मृदा तापमापी। जब हम तापमापी पढ़ रहे थे तब भी मैंने कह दिया था आपको कि जिस आकार या जिस जगह पे तापमापी काम में आती है, थर्मामीटर काम में आता है, उसी आधार पर उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। नाम के आगे सॉइल या मृदा लिखा हुआ है, यानी ये किसका तापमान नापने के लिए काम में आती है, मृदा का तापमान नापने के लिए जो उपकरण काम में आता है उसे हम मृदा तापमापी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर यानी कैलोरी नाम है ऊर्जा की एक फॉर्म का। तो ऊर्जा नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग हम लेते हैं उसे हम लाइसीमीटर कहते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों पोटोमीटर की। अगर हम बात करें तो पोटोमीटर का जो उपयोग है वो वाष्पोत्सर्जन नापने के लिए काम में आता है। हम लाइसीमीटर की बात कर रहे थे, लाइसीमीटर वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों को नापता है, जबकि हम पोटोमीटर की बात करें तो पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नापता है। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों पान एवोपोरीमीटर। ये जिन लोगों ने मौसम वेद्यशाला का भ्रमण किया है या जो वहां पे गए हैं वो जानते हैं कि फोटो में आप देख पा रहे हैं इस आकार का एक गोल ड्रम बना होता है और एक तरफ वो लगा होता है और ऊपर से इसका जो कलर होता है व्हाइटिश कलर का होता है। और USWPB पान एवोपोरीमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है तापमान या सूर्य की किरणों से कितना पानी उड़ा या कितना वाष्पीकरण हुआ उसे नापने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसे पान एवोपोरीमीटर या USWB पान एवोपोरीमीटर कहा जाता है। दोस्तों अब देखना, अगर केवल वाष्पीकरण की बात आती है तो पान एवोपोरीमीटर काम में आता है, अगर केवल वाष्पोत्सर्जन की बात आती है तो पोटोमीटर काम में आता है, लेकिन अगर दोनों की बात की जाए तो फिर लाइसीमीटर काम में आता है। अब दोस्तों हमने पढ़ रखा है वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण होता है मृदा की सतह से पानी का वाष्प के रूप में उड़ना, वाष्पीकरण कहलाता है। इसे एवोपरेशन कहते हैं इंग्लिश में। और जहाँ तक बात आती है वाष्पोत्सर्जन की, तो मृदा से नहीं होके पादप या पौधों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो अगर केवल वाष्पोत्सर्जन की बात आए तो पोटोमीटर हमने देखा था इस तरह का एक उपकरण होता है, यहाँ पे छोटी क्लासों में हमने किया भी है, यहाँ पानी भरा होता है, इस पे एक पौधा लगाया जाता है और जितना वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही यहाँ से पानी अपटेक किया जाता है। उसके आधार पर ये मात्रा निकाली जाती है कि कितना पानी पर्टिकुलर 24 घंटे या 48 घंटे या कितने समय में पर्टिकुलर इस पौधे ने वाष्पोत्सर्जन के थ्रू पानी को उत्सर्जित किया है। जबकि हम बात करें पान एवोपोरीमीटर की, तो पान एवोपोरीमीटर में पानी भर दिया जाता है, उसके ऊपर उसको प्रोटेक्शन कर दिया जाता है ताकि किसी भी वे में पानी का वाष्पीकरण के अलावा किसी भी तरह का लॉस नहीं हो सके। और देखा जाता है कि 24 घंटे या पर्टिकुलर कितने टाइम में सूर्य की किरणों से पानी जलवाष्प बन के उड़ा है। तो ये दोनों चीज़ें पर्टिकुलर काम में आती है और दोनों साथ में काम आए तो उसे हम लाइसीमीटर कहते हैं। अगला एक उपकरण होता है दोस्तों पिजोमीटर। और पिजोमीटर की हम बात करें ये किस काम में आता है, तो भूगर्भीय जल की क्या स्थिति है या भूगर्भीय जल कितना है उसको नापने के लिए जो उपकरण काम में आता है उसे हम पिजोमीटर कहते हैं। दूसरी अगर बात करें अगली मैनोमीटर, ये मूल दाब को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। मूल दाब को ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं दोस्तों, तो वो मैनोमीटर काम में लिया जाता है। ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण एग्रीकल्चर के एग्जाम की दृष्टि से जो बार बार क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी जानकारी आपको पसंद आएगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट विद्यार्थियों आपसे ये थी कि जब भी आप इस वीडियो को नहीं किसी भी वीडियो को देखें तो अपनी एक आदत बनाएं, अपने पास एक डायरी और एक अपना पेन होना चाहिए। पर्टिकुलरली आप उसे स्टॉप करके देख सकते हैं, उसे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं या उसको रिपीट करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय है, तब आप एक वीडियो दो वीडियो चैनल भी डाइवर्ट कर सकते हैं। और अभी वो समय है, कोरोना का समय चल रहा है, आगे आने वाले समय में एग्जामिनेशन कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने पास एक व्यू में अगर सकारात्मक सोच की बात करें तो हमारे पास पूर्ण समय है कि हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के नोट्स बनाएं। तो आज जैसे हम उपकरण की बात कर रहे थे, तो आप उस उपकरण को एक कॉपी में या एक पर्टिकुलर जगह पे उसको उतारें, नोट डाउन करें, और उसके टॉपिक के बाद में कम से कम मेरा ये मानना है कि हर टॉपिक के बाद 5 से 10 लाइनें आप खाली छोड़ें। जब भी आप नेक्स्ट कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें इस टॉपिक को देख रहे हैं और आपको लगा है कि नहीं, आज मैंने जो 17-18 उपकरण पढ़े थे, पहले पढ़े थे, उनमें ये उपकरण थोड़ा सा नया है या इसमें हटके लाइसीमीटर के लिए और कुछ लिख रखा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हो सकता है, उसको वहाँ नोट डाउन करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास 15, 20 या 30 दिनों में एक स्पेशल सब्जेक्ट की एक कॉपी होगी, एक पर्टिकुलर रजिस्टर होगा जिसमें आपके पास सारी किताबों का निचोड़ होगा। वो कोई गाइड हो सकती है, वो कोई टेक्स्ट बुक हो सकती है, वो वीडियोज हो सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी चैनल के वीडियो हो सकते हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब भी पढ़ें तो आप इस तरह से पढ़ें। और कोशिश है दोस्तों कि एक या दो दिन में एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जामिनेशन हों उनके लिए अपन किस तरह से तैयारी करें उसका भी मैं वीडियो तैयार करूँ, क्योंकि कई विद्यार्थियों के कॉल और कमेंट्स इस चीज़ के लिए आ रहे हैं। तो कोशिश करूंगा कि मैं किस तरह हम तैयारी करें, क्या क्या हमें लेना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलरली एक जो मोटा मोटा आइडिया वो है कि आप हर चीज़ को नोट डाउन करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। जितना आप लिखेंगे उतना ही आप में निखार आएगा। तो कोशिश है दोस्तों कि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। और भी अगर किसी तरह के वीडियोस या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर और आपको और सोशल मीडियाज के जो लिंक है वो मिलेंगे, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है। कोशिश करूँगा कि मैं आपकी उस समस्या का समाधान उचित वे में कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।